अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ इंग्लिश का जो गेस्ट पेपर है वो शेयर करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है, तो उसी सिलसिले में आज ये वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 आता है उसमें बी पार्ट जो होता है वो होता है पंचुएशन का। तो आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट हलशुदा पंचुएशन जो है वो शेयर करूँगा। कुछ पंचुएशन ऐसी हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने मेंशन किया हुआ है, और जिनके आगे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ वो भी इम्पोर्टेंट हैं, और ये हलशुदा पंचुएशन है। इसलिए आप लोगों ने इनको अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। आपको ये तैयार करने के बाद पंचुएशन जो है वो तरीका भी आ जाएगा, और आपका गैस जो है इम्पोर्टेंट मतलब जो पैराग्राफ है पंचुएशन के या लाइन्स हैं वो भी हो जाएंगी। तो 5 नंबर का ये आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन होता है, अक्सर स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जो आपको पंचुएशन बता रहा हूँ इन पंचुएशंस को आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। तो पंचुएशन अगर पहले 5 चैप्टर जो हैं आप उनकी पंचुएशन कर लें, अगर उन 5 चैप्टर में से आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब अगर मैं बताऊँ तो वो है डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड। तो ये जो है चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंचुएशन के लिहाज से। दूसरे नंबर पे पंचुएशन के लिहाज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो बटन बटन है। तीसरे नंबर पे जो है वो क्लियरिंग इन द स्काई है। चौथे नंबर पे जो है वो पीस ऑफ स्ट्रिंग है, और पांचवे नंबर पे जो है वो है थैंक यू मैम। तो ये तरतीब के लिहाज से जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा मैंने सिर्फ मतलब इन 5 की नहीं बल्कि इनके अलावा भी जो जिनमें से पूछी जा सकती है पंचुएशन उनका जो है मैंने आप लोगों को जो है वो गैस बताया हुआ है। तो सबसे पहले तरतीब से चैप्टर नंबर 1, तो ये चैप्टर नंबर 1 की जो है आप लोगों को पैरे नज़र आ रहे होंगे, 3 पैरे ऊपर नज़र आ रहे हैं, और लास्ट पैरा माई डियर लेडी मिस्टर स्टीवर्ट सैड डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड। तो ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन लाइन्स हैं। ऊपर वाले 3 जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये वाली जो नीचे वाली है ये उनसे ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो पंक्चुएशन लाइन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में जो है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा दिस इज़ द वे, और सडनली ही स्टॉप्ड और लुक्ड एट दिस जैस। तो लुक्ड एट दिस जैस वाली और सडनली ही स्टॉप्ड ये दोनों जो पंक्चुएशन लाइन्स हैं ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये भी देख लीजिएगा नाउ यू आर कमिंग और जस्ट लाइक फ्रेश एयर। तो ये टोटल जो है 5 जो हैं ये दूसरे चैप्टर की इम्पोर्टेंट, और उनमें से 2 जो हैं वो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो पंचुएशन लाइन्स हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो ये वैसे भी क्योंकि इसमें से हर दफ़ा चेंज हो के आती है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने मैंशन की हुई है, लेकिन ये चैप्टर जो है वो पंचुएशन के लिहाज से वैसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये चिन अप हैरी वाली जो पंचुएशन लाइन्स हैं तो ये जो है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पहले आई फील लाइक और गो अबाउट आवर बिजनेस, हेयर यू आर नो लुक व्हाट यू हैव डन इन द आंटम मिस्टर बिटरिंग स्टूड, और द टाउन एम्प्टी, और लास्ट वाली जो है द टाउन एम्प्टी बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स, ये वाली भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका जो तीसरा चैप्टर है इसमें 2 पंचुएशन लाइन्स जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बाकी 5-6 जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर नंबर 4 में टोटल 3 हैं। तो इसमें जो दूसरी है लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म ये वाली, और वेल यू डिड नॉट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक ये वाली, ये दोनों पंचुएशन लाइन्स जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये मैंने आप लोगों को हल करके जो है वो दी हुई हैं ताकि आपको जो है वो कहीं और से तैयार ना करनी पड़े, बल्कि इसी वीडियो को आप जो है बार बार देख कर जो है ये पंचुएशन लाइन जो है वो तैयार कर लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, तो चैप्टर नंबर 5 में जो है 4 दी हुई हैं। इन 4 में जो तीसरी दी हुई है वट एवर रीज़न ही गेव पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, ये वाली जो है 5वें चैप्टर की जो है ये तीसरी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 3 जो है वो और दी हुई हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उनको भी तैयार करने। कम से कम 5 चैप्टर जो है जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि इन 5 चैप्टर की पंचुएशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन 5 चैप्टर की पंचुएशन जो है वो आप लोगों ने लाजमी जो है वो तैयार कर लेनी है। और जिनके आगे मैंने इम्पोर्टेंट मेंशन किया हुआ है
उनको तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है, चाहे वो 5 चैप्टर में है या 5 चैप्टर में नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6, तो चैप्टर नंबर 6 में जो पहली पंक्चुएशन दी हुई है, एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा, ये वाली जो है 5-6 चैप्टर की मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और है, लाइफ इज लाइक अ रेस, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, तो इसमें दो दी हुई हैं, डज योर थ्रॉट वाली और सच अ नाइस मैन पुट द मदर, तो ये दो जो हैं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, तो चैप्टर नंबर 9 में भी दो दी हुई हैं, बट वट यू कैन और डू यू नॉट परसीव, तो ये दोनों जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो पंक्चुएशन लाइन्स हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो ट्रांसलेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताऊंगा, और साथ जो है आप लोगों को ट्रांसलेशन जो पैरे हैं हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट वो भी बताऊंगा। और इससे पहले जो है मैं ऑलमोस्ट आपका तमाम गेस्ट पेपर जैसे कि आप देख सकते हैं वो शेयर कर चुका हूं। और अगर आपको ये लगे कि मैं एक एक क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं, मैंने ओवरऑल इकट्ठा गेस्ट पेपर जो है वो भी शेयर किया हुआ है, कई दफ़ा शेयर किया हुआ है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, तो वो जो है आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले मैंने वो शेयर किया था। बाकी जो है चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस चैनल पे हैं सब्सक्राइब करें और जो है इस तरह के गेस्ट पेपर जो हैं उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।